पोस एंड जीरोस। पोस एंड जीरोस निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, अगर आपको नहीं आता तो आप ये देख सकते हैं। तो पोल्स क्या होते हैं? गिवन फंक्शन के डिनोमिनेटर को अगर हम जीरो पुट कर देते हैं, टर को जीरो के इक्वल, कर दो तो हमारे पोल्स आ जाते हैं। एंड देन फाइंड वैल्यूज ऑफ एस। एंड जीरोस क्या होते हैं? न्यूमेरेटर को, न्यूमेरेटर को जीरो के इक्वल कर देते हैं। तो एंड फिर फाइंड करते हैं एस की वैल्यू, तो हमारे पास वो जीरोज आ जाते हैं। यानी कि हमारे गिवन फंक्शन के डिनोमिनेटर को अगर जीरो पुट करके एस की वैल्यूज निकालेंगे तो वो पोल्स होंगे, और न्यूमेरेटर को जीरो के इक्वल पुट करके एस की वैल्यूज निकालेंगे तो वो जीरोज होंगे। अब ये पोल्स एंड जीरोज को हमेशा सर्किट एनालिसिस में हमारे पास जो एक्सेस होता है वो ये होता है, इस प्लेन में, सॉरी एक्सेस नहीं, प्लेन प्लेन होता है वो ये होता है जिसमें रियल एक्सेस सिग्मा एक्सेस होता है, इमेजनरी एक्सेस जे ओमेगा एक्सेस होता है। इसमें हमें ऑलवेज पोल्स एंड जीरो को प्लॉट करना होता है, एंड पोल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है क्रॉस के द्वारा, एंड जीरोस को रिप्रेजेंट किया जाता है इस जीरो के द्वारा। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, जेड एस दे रखा है कोई फंक्शन 5s अपॉन एस प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ लूँगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज लेके मैं इसको रिड्यूस कर लूँगी फैक्टर्स में। तो ये तो था ही एस प्लस 1, और आफ्टर सॉल्विंग इसके फैक्टर्स आएंगे एस प्लस 2 माइनस का 2j एंड एस प्लस 2 प्लस का 2j। ठीक है, फिर मैं पोल्स एंड जीरोस निकालूंगी। सबसे पहले पोल्स निकालती हूँ, पोल्स निकालने के लिए मुझे डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो पुट कर देना है। तो एस प्लस 1 एस प्लस 2 माइनस 2j और एस प्लस 2 प्लस 2j, इनको मैं ज़ीरो पुट कर दूंगी तो मेरे पास एस की वैल्यूज़ एक तो माइनस 1 आ जाएगी, एक आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2 प्लस का 2j, और एक आ जाएगा मेरे पास माइनस 2 माइनस का 2j। ये मेरे पास क्या आ गए, पोल्स आ गए। दीज आर माई पोल्स। सिमिलरली मैं जीरोज निकालूंगी, जीरोज के लिए मुझे क्या करना होगा, न्यूमेरेटर को जीरो के इक्वल पुट कर देना होगा। न्यूमेरेटर इक्वल टू जीरो पुट कर दूंगी मैं, तो 5s इक्वल टू जीरो, तो मेरे पास s इक्वल टू जीरो, मेरे पास एक जीरो क्या आया, s इक्वल टू जीरो आ गया। अब मैं प्लॉट कर दूंगी इसमें, प्लॉटिंग कैसे करूंगी, प्लेन बनाया, एस प्लेन बनाया, ये सिग्मा एक्सिस है रियल एक्सिस, जे ओमेगा एक्सिस इमेजनरी एक्सिस, 0 1 2 3 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, 1 2 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, अब मेरे पास सबसे पहले मैं जीरो को प्लॉट कर देती हूँ यहाँ पर, एस इक्वल टू जीरो पर, जीरो पर मेरा ये जीरो आ रहा है। पोल कहाँ पर आ रहे हैं, एस इक्वल टू माइनस 1 पर आ रहा है, तो मेरा पोल आ रहा है एक तो माइनस 1 पर, माइनस 1 पर प्लॉट किया, एक आ रहा है माइनस 2, तो रियल पार्ट है इसका, तो माइनस 2 और प्लस का 2j इसका इमेजनरी पार्ट है, तो यहाँ मेरा एक पोल आ रहा है। सिमिलरली माइनस 2 माइनस का 2j, यहाँ पोल आ रहा है। तो ये मेरे होते हैं पोल्स एंड जीरो प्लॉटिंग इन एस प्लेन।